सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री खुलासा ग्रंथ के प्रकरण 5 की 10 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। बिस्त हाल चार कुरान में कहया आठ होसी आखर, ए भी सुनो तुम बेवरा देखो मोमिनो सहुर कर। कुरान में कहा है कि अभी चार मुक्ति स्थल हैं, भविष्य में इनकी संख्या 8 हो जाएगी। हे ब्रह्मात्माओं, इनका विवरण सुनो और विचार पूर्वक देखो। तीन भिस्त हाल चार का बेवरा, एक मलकुती भिस्त, दो भिस्त अवल लैल में, चौथी महमद आए जीत। कुरान में वर्णित चार मुक्ति स्थलों का वर्णन इस प्रकार है। उनमें से एक अव्याकृत के महाकारण में स्थित नित्य वैकुंठ यानी मलकुती मुक्ति स्थान है। व्रज तथा रास रात्रि के दो मुक्ति स्थान सबलीक के कारण और महाकारण में हैं। चतुर्थ मुक्ति स्थल सबलीक के निर्मल चैतन्य में है, जहाँ ब्रह्मात्माओं को परमधाम का संदेश देकर रसूल मोहम्मद स्वयं पहुंचे। आखर बिस्तों का बेवरा जो नैया होसी चार, जो होसी बखत कयामत के तिनका कहूं निर्वार। अंतिम समय में स्पष्ट होने वाले मुक्ति स्थलों का विवरण इस प्रकार है, जो आत्म जागृति की घड़ी में स्थापित होंगे। अब उनका निरूपण करते हैं। बिस्त अवल रूहो अक्स, ए जो होसी बिस्त नई, बिस्त होसी दूजी फरिस्तो, जो गिरो जबरुत से कही। इन नूतन वर्णित मुक्ति स्थलों में प्रथम वह है जो ब्रह्म आत्माओं की सुरता को धारण करने वाले उत्तम जीवों का मुक्ति स्थल कहलाता है। दूसरा मुक्ति स्थल वह है जो अक्षरधाम से अवतरित हुई ईश्वरी सृष्टि की सुरता को धारण करने वाले जीवों के लिए कहा गया है। पैगंबरो भिस्त तीसरी, जिनो दिए हक पैगाम, चौथी भिस्त जो होए सी पावे खलक जो आम। तीसरा मुक्ति स्थल उन पैगंबरों के लिए है जिन्होंने संसार में परमात्मा का संदेश फैलाया। इसी प्रकार चतुर्थ मुक्ति स्थल संसार के समस्त जीवों का माना गया है। जीन किन राह हक की, लई सांच से सरियत, भिस्त होसी तीनों तीसरी, सांचे ना चल जले कयामत। जिन जीवों ने प्रेम मार्ग का अनुसरण कर पवित्र हृदय से कर्म के नियमों का पालन किया है, उनको भी तृतीय मुक्ति स्थल में स्थान प्राप्त होगा। इस प्रकार सत्य का अनुसरण करने वाले जीवों को अंतिम समय में नरकाग्नि में जलना नहीं पड़ेगा। जो सरियत पकड़ के चलिया नहीं साचले, सो आखर दोजख जल के बिस्त चौथी पावे ए। जो जीव कर्म मार्ग का अनुसरण करते हुए भी सत्यनिष्ठ नहीं रह सके वे नरकाग्नि में जलकर शुद्ध होंगे, उन्हें चतुर्थ मुक्ति स्थल में स्थान प्राप्त होगा।
रूहो अक्स कहे नहीं भिस्त में, ताए असल रूहो के तन, सो अरवा अरस अजीम में, उठे अपने बका वतन। सत स्वरूप के निर्मल चैतन्य में स्थित नूतन प्रथम मुक्ति स्थान में ब्रह्म आत्माओं का प्रतिबिंब कहा गया है। वस्तुतः वह ब्रह्म आत्माओं ने माया जन्य खेल में धारण किए हुए शरीर का ही प्रतिबिंब है। परमधाम से अवतरित ब्रह्मात्माओं की सुरता तो अखंड परमधाम में ही जाग उठेगी। जो लो अपनी राह पावे नहीं, तो लो पहुंचे ना अपने मकान। आदि हदो हिदायत करके, आखर पहुंचावे निदान। आत्माएं इस खेल में आकर जब तक तारतम ज्ञान के द्वारा अपना मार्ग प्राप्त नहीं करेगी, तब तक अपने अपने धाम में जागृत नहीं होंगी। सतगुरु सभी को नश्वरता की सीमा का निर्देशन देकर अंत में अपने स्थान में पहुंचा देते हैं। अब कहो सिफायत की, जो आखर मोहम्मद की चाहे, नेक सुनो सो बेवरा, देऊ रूहो को बताए। अब मैं रसूल मोहम्मद द्वारा जिन जीवों की अनुशंसा की गई है उनकी बात करता हूँ, जो अंतिम समय में अवतरित मोहम्मद के चाहक हैं। उनका संक्षिप्त वर्णन सुनो, मैं अपनी आत्माओं का यह विवरण दे रहा हूँ। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री खुलासा ग्रंथ के प्रकरण 5 की 20 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट स्टूडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।